नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी, नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए दो बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे को आने दीजिए। महोदय क्या आपने कहा था? अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए। आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पंक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से दो बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं, इसके लिए हमने कहा। ये सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री क्या मंत्री हो, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए। आपने पहले भी ये काम किया और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा। कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो। गलत फहमी में नहीं रहना, आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो। अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना जी, हाँ बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पीला उला कागज नहीं रहेगा, कहाँ लाल जला, कहाँ उजर जला। अब ये जोर साहब को देखिए, देवगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी वहां, हमारे भाई रामविलास पासवान जी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में प्रधानमंत्री जी को ले जाके आप पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया, और इन्होंने नीतीश जी ने स्वीकार किया। अब आप जहां गए प्रधानमंत्री जी बिहार शरीफ में, ये नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा वहीं थर्मल होगा, सरकार की नीति है। औरंगाबाद में ये जो प्रोजेक्ट था बिजली का, वहां से समता पार्टी का समर्थन हुआ का एमपी यहाँ बैठे होंगे, लड़का राम नरेश भाई हमारा लूटन सिंह थे, उनका लड़का, हम लोग लूटन यादव बोलते थे, हम जान देखे जीता थे वो लड़का। क्या हालत है समता पार्टी का आप जाके देखिए औरंगाबाद में। नीतीश जी ले गए वहां, कहां ले गए? बाढ़ में,
थर्मल जहाँ वाटर लॉगिंग है, जहाँ जल्ला का पूरा इलाका है, वहां ले गए और आपसे ले गए, वहां उद्घाटन करवा दिए। हमने कहा है प्रधानमंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि राजेंद्र सिंह से पूछो तो, लिख करके राज्य सरकार कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब बना है, कितना पैसे का प्रावधान है। जो हम कर सकते हैं वही काम करें। बिहार को कितना ठगा जाएगा बताइए तो। अभी 14 तारीख को जोर साहब नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में। राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री, हमारा हमारा जरासंध का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे, आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे। और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से यहां बैठ के एमपी एमपी आपको ठीक करना चाहिए था। आप चले गए वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में उद्घाटन, चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुपरमेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज को हम स्वायत्ता देंगे, लेकिन राज के मुख्यमंत्री को पता नहीं और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें। हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको बिहार के विकास के लिए। आप करते विकास, जो विकास आपने बहन ममता जी के लिए किया है कलकत्ता में 13 महीना में, वो तो उन्हें बताएगी कि आप जो पैकेज दिए थे वो पैकेज का क्या हुआ, वो बोलने लगेगी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सच्चा सच्चा बात बोली। तो हम लोगों ने कहा ये झूठ नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी हमेशा ठगे जाते रहे, राज्य सरकार की जो कुबत हो आप बताइए वहां पानी कहां। हमने मालूम किया कि सफिशियंट वाटर होना चाहिए आयुध कारखाना के लिए, देर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के, आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा, जान बचाना है तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे। देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जोर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना हजार एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है। पुरानी कारखाना खोल रहे हैं, निकलिए मोदी नगर से। हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज, एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा, मोदी पूनम स्वदेशी का नारा। आपने कहा स्वदेशी, आपने कहा कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते, भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होकर भारत के लोग अपनी रक्षा अपना विकास करेंगे, आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया, सारा स्वदेशी मिल कल कारखाने हमारे बंद, बड़े पैमाने पर जो मजदूर है गरीब है, गरीबी और गारद बढ़ रही है अन्य चीजों में, कंज्यूमर्स गुड्स के मामले में। महोदया देश की स्थिति, अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश के माइनॉरिटी जो सर्वहारा, सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं,
आपने कहा था कि कम से कम हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें। जिस समय आपका संबोधन हो रहा था, पीने के पानी का सवाल न जाने अखबारों ने लिखा है कि आगे लड़ाई जोधिस भारत में अंदर मोहल्ले मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने कोई पानी का प्रबंधन नहीं किया। पूरा का पूरा 13 महीना में सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है, 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है अडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर दोहमत मढ़िए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि न जाने कितना दरार दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता, उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। वो बोला कि हम नीतीश जी या जोर साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चलेगा जोर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जोर साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। आपने शकुनी चौधरी जी को हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे, हम लोग इनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चाचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीद दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को, रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार। आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोल, ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है, कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है हमारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी आपको क्या चाहिए? आप नहीं बैठेगा? प्लीज नहीं बैठ प्लीज।